तुसाद मुसाद डोम तेली कलवार नुनिया पसवान गोवार इस रूप में बटे हुए हैं। इस कारण से हम लोग कमजोर है और वह नलायक अंग्रेज का पैदाइशी हम पे गोली चलाकर कहता है कि मैं राजा हूँ। भारत के धरती पर नरबली प्रथा चलाया है आपने, भारत के धरती पर दास प्रथा चलाया आपने, भारत के धरती पर अश्वमेध यज्ञ किया, नरमेध यज्ञ किया और हमारा पुरखा इन सारे व्यवस्थाओं से लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ आया है। ये कितना मारेंगे हमारे लोगों को? हम लोगों पे कोई शासन कर सके किसी के बाप में औकात नहीं है, क्योंकि रातों की कहानी अगर सितारों ने लिखी तो हम लोगों के जीवन की कहानी बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लिखी। भेदभाव और ऊंच नीच का प्रतीक है हिंदू धर्म। हर जात जात से नफरत कराया है हिंदू धर्म। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वे कत्ल भी करते तो चर्चा तक नहीं होती। आज मेरे भैया चंद्रशेखर भैया देश की बहन की रक्षा करता है, लाचार माँ की रक्षा करता है, मजबूर माँ की रक्षा करते हैं, उस गरीब सताए हुए परिवार की रक्षा करते हैं, चाहे वह किसी भी जाति से आए, चाहे वह किसी भी धर्म से आए, चाहे वह किसी भी परिवार से आए, सबकी रक्षा करता है। उस भैया पे गोली दागने वाला कौन है? बीजेपी सरकार है। बाबा और लोग को जेट सुरक्षा मिल रहा है, हमारे चंद्रशेखर भाई को क्यों नहीं जेट सुरक्षा मिल सकता है? हिंदू धर्म में जो है एक मानव जाति में 6,743 जाति बनाया और लाखों उपजाति बना करके एक मानव जाति में विभेद पैदा किया गया और मानव जाति को तोड़ा गया, मानवता में विभेद पैदा करके एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई का आयोजन किया गया। क्या यह मांग चंद्रशेखर आजाद रावण का नाजायज मांग है? वे लोग चंद्रशेखर के कुछ बयान से आहत हो गए थे, उन्हें दिक्कत हुआ था, इसलिए उन पर गोली चला दी गई। तो अब ये आंदोलन क्यों? गिरफ्तार तो हो चुका आरोपी। चंद्रशेखर भैया पर वह गोली चलाए उसमें पावर और दम कहाँ? हम बार बार बोलते हैं हम पे कोई शासन कर सके किसी के बाप में औकात नहीं है। हम लोगों पे कोई शासन कर सके किसी के बाप में औकात नहीं है, क्योंकि रातों की कहानी अगर सितारों ने लिखी तो हम लोगों के जीवन की कहानी बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लिखे। लेकिन हमारे लोग इस चीज को मानते कहाँ है? हमारे लोग जाति में बटे हुए हैं, चमार दुसाद मुसहर डोम तेली कलवार नुनिया पसवान गोवार इस रूप में बटे हुए हैं। इस कारण से हम लोग कमजोर हैं और वह नलायक अंग्रेज का पैदाइशी हम पे गोली चलाकर कहता है कि मैं राजा हूं। वह राजा नहीं है, वह फकीर है, वह जाली है। हमारे लोगों को जाति में बांटकर हमारे लोगों पर शासन कर रहे हैं। भैया ब्रांड है, भैया इस देश के नायक है, भैया इस देश के हीरो है। अगर कोई भी नेता, चाहे वह मोदी जी ही क्यों ना हो, अगर भैया से अगर आमने सामने बात करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वह फीका पड़ जाएंगे देश के आर्थिक व्यवस्था में। आज मेरे भैया चंद्रशेखर भैया देश की बहन की रक्षा करता है, लाचार माँ की रक्षा करता है, मजबूर माँ की रक्षा करते हैं, उस गरीब सताए हुए परिवार की रक्षा करते हैं, चाहे वह किसी भी जाति से आए, चाहे वह किसी भी धर्म से आए, चाहे वह किसी भी परिवार से आए, सबकी रक्षा करता है। उस भैया पे गोली दागने वाला कौन है? बीजेपी सरकार है। मैं कहता हूं अगर देश को बचाना है, परिवार को बचाना है, समाज को बचाना है, राज को बचाना है और खुद के एक कर्तव्य को बचाना है तो बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। पुलिस जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसका सरनेम नहीं बता रही है, लेकिन अन्य मामलों में जब कोई घटना घटित होता है तो जो आरोपी गिरफ्तार होते हैं उनका पूरा नाम बताया जाता है सरनेम सहित, लेकिन इस वाले मामले में पुलिस किसी भी आरोपी का सरनेम नहीं बता रही है। क्यों? मोदी जी योगी जी को डर है, क्योंकि चूल्हा में आग वही लगाए हैं, चूल्हा में आग लगवाने वाले मोदी जी योगी जी है, इसलिए सरनेम नहीं बता रहे हैं। और यह काला बाजारी नहीं चलेगा, यह काला बाजारी है। गोली चलाया कोई और कातिल को मुजरिम को पकड़ने वाला कोई और। इस तरह हम अभी दादाजी बोले हैं कि जिस देश में पुलिस के सामने में किसी व्यक्ति पर गोली चलाया जाए उस देश के शासन प्रशासन और नेता को आप क्या कह सकते हैं? डाकू है, वही आतंकवादी है। देश को एक कहा जाता ना कि भगवा के नाम पर, देश को भगवा के नाम
नाम पर, देश को हिंदू के नाम पर कमजोर करने जा रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं, अंग्रेज आए थे और जाति धर्म के नाम पर लड़वा कर हमारे देश पर 200 वर्षों के साथ शासन किए, और फिर दूसरा अंग्रेज आया जो कि बीजेपी हमारे देश को कमजोर कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम टुटू अम्बेडकर हुआ। क्या कहना चाह रहा हूँ कि चंद्रशेखर आजाद रावण पर बीते दिनों कुछ अपराधियों ने गोली चला दी जिसमें वो बाल बाल बच जाते हैं, उनके गाड़ी के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है और उनकी कमर को छूकर गोली निकल जाती है। उस मामले को लेकर पूरे देश में बहुजन समाज के लोग आक्रोशित है और वे लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त मुजफ्फरपुर के पारू में बहुजन समाज के लोग भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण की सुरक्षा के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं। सर, हमारा मांग है, पिछले बुधवार को चंद्रशेखर रावण वो घर जो है सो जा रहे थे, घर जाने के क्रम में उनके ऊपर जो है सो ये डिजायर गाड़ी से अपराधी आया, चार अपराधी आया और अंधाधुंध उन पर जो है सो फायरिंग किया। फायरिंग करने के बाद में वो घवाहील हुए और उनको जो है सो फिर जो है अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचाने के बाद में फिर वो जो है सो स्वस्थ हो गए हैं। उसी घटना को लेकर के पूरा देश जो है सो आक्रोशित है और घटना घटने के पीछे कारण यह जो है सो आ रहा है कि महिला पहलवान पर जो घटना घटी थी, महिला पहलवान के साथ जो रेप हुआ था, उस घटना के विरोध में जो जंतर मंतर पर जो है पहलवान लोग धरना दे रहे थे उसमें चंद्रशेखर रावण शामिल हुए थे। इसको, इस बात को टारगेट में लेते हुए चंद्रशेखर रावण पर सुयोजित ढंग से जो है सो हमला किया गया है। चंद्रशेखर रावण भारत के दबे कुचले शोषित पीड़ित के आवाज़ हैं और इस घटना से पूरे देश का शोषित पीड़ित जो है मर्माहत हुआ है। हम धरना के माध्यम से मांग करने आए हैं कि जिन लोगों ने चंद्रशेखर रावण पर गोली चलाया है उनको अविलंब गिरफ्तार करके सरकार फांसी दे। गिरफ्तारी हो चुकी है सर। गिरफ्तारी हो चुकी है तो उसको फांसी दिया जाए। जब आदित्यनाथ योगी के प्रदेश में कोई घटना घटती है और घटना के बाद तुरंत जो है सो जेसीपी जो है सो हमलावर पर जो है सो दौड़ जाता है, अब बुलडोजर चलाने लगते हैं, तो इस घटना में ये आदित्यनाथ योगी क्या कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आदित्यनाथ योगी का भी इसमें हाथ है। इसलिए हमें ये जो है सो अम्बेडकर विचार मंच, अर्जक संघ, अनुसूचित जाति, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के बैनर चले, हम मांग करते हैं कि आदित्यनाथ योगी इस्तीफा दे। ये मांग को लेकर हम जो है सो ये पारू प्रखंड मुख्यालय पर हम जो है सो धरना देने आए हैं, यही मेरा मांग है। सर, हमला क्यों किया गया होगा चंद्रशेखर आजाद रावण पर? इस तरीके के युवा नेता बहुत सारे हैं देश में, लेकिन उन पर इस तरीके की हमला नहीं होती है, लेकिन इन पर हमला कर दिया जाता है। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वे कत्ल भी करते तो चर्चा तक नहीं होती। देश में कहीं भी घटना घटती है तो देश के जितने भी नेता हैं उसमें एक ही नेता चंद्रशेखर रावण है जो बढ़ चढ़ के उसमें हाथ बटाते हैं और गरीबों को जो है सो जाकर जो है सो सुरक्षा मुहैया कराते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि घटना में जो लोग दोषी हैं उसको जो है सो गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। पुलिस का कहना है कि जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनका कहना है कि कुछ बयान से वो आहत हो गए इसलिए उन पर हमला कर दिया गया। बयान से आहत हो जाते हैं, वही तो मैं बात कहा कि मैं आह भी करता हूं तो हो जाता हूं बदनाम, और वे कत्ल भी करते तो चर्चा तक नहीं होती। हम पर हमला होता है, हम आह करते हैं तो फिर हम जुल्मी, हमको ठहरा दिया जाता है, और वे लोग जुलूम करते हैं तो उनके गर्दन में माला पहनाया जाता है, वैसे लोगों को संरक्षण दिया जाता है। ये हो रहा है मनुवादी सरकार में और पूरे देश के यहाँ के SC ST OBC माइनॉरिटी इस सरकार में जो है सो असहज महसूस कर रहा है। कुछ फेसबुक पेज है और ट्विटर के माध्यम से चंद्रशेखर आजाद रावण पर इस घटना के बाद भी धमकियां मिल रहा है और कहा जा रहा है कि इस बार तो बच गया, अगली बार बीच चौराहे पर मार दिया जाएगा, और उस पेज का नाम है अमेठी, क्षत्रिय ऑफ अमेठी। तो इस तरीके के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? इस घटना पर आपने भारत के धरती पर नरबली प्रथा चलाया है, आपने भारत के धरती पर दास प्रथा चलाया, आपने भारत के धरती पर अश्वमेध यज्ञ किया, नरमेध यज्ञ किया, और हमारा पुरखा इन सारे कुव्यवस्थाओं से लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ आया है। ये कितना मारेंगे हमारे लोगों को, हमको कितना मारेंगे? मैं तो दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि भारत के केवल अनुसूचित जाति अगर जग जाएगा तो अनुसूचित जाति में एक चमार जाति आता है, वो कभी मरे हुए माल का मांस खाता था, इसको केवल टेस्ट करा दिया जाएगा कि मरे हुए माल के मांस से जिंदा का मांस
स्वादिष्ट होता है तो जिंदा का खाल उधेर देगा और मांस तो लगा रहेगा, हार तक चिबा जाएगा भारत का अनुसूचित जाति। चंद्रशेखर रावण हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं, यह भी कारण बताया जा रहा है उन पर हमला किया गया है, वो हिंदू राष्ट्र बनना नहीं देना चाहते हैं। तो क्या उनका मांग नाजायज है? हिंदू धर्म में जो है सो एक मानव जाति में 6,743 जाति बनाया और लाखों उपजाति बना करके एक मानव जाति में विभेद पैदा किया गया और मानव जाति को तोड़ा गया, मानवता में विभेद पैदा करके एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई का आयोजन किया गया, क्या यह मांग चंद्रशेखर आजाद रावण का नाजायज मांग है? सर क्या मांग है आपका चंद्रशेखर रावण के लिए, क्या मांग है आपका? मेरा तो मांग है कि जिन लोगों ने गोली चलाया है उसको जो है फांसी दिया जाए, ये मेरा मांग है। सुरक्षा के लिए और उन सुरक्षा के लिए जेल सुरक्षा बोलिए, जेल सुरक्षा उनको मुहैया कराई जाए और CBI से जांच कराई जाए। इंट्रोडक्शन कि इसमें किन लोगों का हाथ है, किन लोगों के द्वारा जो है वो हमलावर जो है सो हमला किया है। इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं राजधारी राम पंचायत समिति सदस्य और अर्जक संघ का राज समिति का संयुक्त मंत्री हूँ। क्या नाम है आपका? राजेंद्र राम नाम। तो क्या कहेंगे आप, आपकी क्या मांगे हैं? आप इस तरीके का आंदोलन कर रहे हैं क्या? चंद्रशेखर आजाद का इतना बड़ा कद हो गया जिसके लिए आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? भारत में ऐसे ही मनुवादी करते रहे हैं। आज चंद्रशेखर रावण BSP की उभरते BSP भी है। चंद्रशेखर रावण जी का कद भारत में आगे आकर के पिछड़ा दलित अकलियत के लिए उन्होंने आगे आके बढ़ के काम किया है और जहाँ उनका अगर कोई ब्लेम लगाता है हिंदू राष्ट्र बनाने की तो मैं राजेंद्र राम कहता हूँ कि भारत में 1 अरब 34 करोड़ की आबादी है, ठीक है, 6,650 करोड़ बौद्धिस्ट है और 27.5 करोड़ मुस्लिम है, 27 करोड़ अंधर्म के मानने वाले हैं, 59 करोड़ की आबादी इन बैकवर्ड पिछले धर्म के लोग हैं, इनको कहाँ ले जाके बैठा देंगे? इनके हटाने के बाद ही तो हिंदू धर्म राष्ट्रीय हिंदू धर्म बनाएंगे। मेरा कहना ये है हिंदू धर्म कभी किसी के कहने से नहीं बन सकता है क्योंकि हिंदू धर्म ऊंच नीच भेदभाव और ऊंच नीच का प्रतीक है हिंदू धर्म। मानव धर्म अलग है और हिंदू धर्म में ऊंच नीच का भेदभाव है। सभी जाति धर्मों से अलग है हिंदू धर्म, हर जात जात से नफरत कराया है हिंदू धर्म, चाहे वो कोई भी जात का लोग हो हिंदू धर्म में जाता है पानी नहीं चलता है। खास करके अनुसूचित जाति में गांव में आप जाइएगा, सत्यनारायण कथा हमारे लोग भूले भूटके कर देते हैं, पंडित उसका पानी नहीं पीता है, तो हम हिंदू धर्म कहाँ से हैं? हम विरोध करते हैं कि हम कहाँ से ही अनुसूचित जाति में चमार पासवान मुसहर ये हिंदू धर्म में नहीं आता है क्योंकि हिंदू उनका पानी ही नहीं पा, जिसका पानी चलेगा वो हिंदू धर्म मानेगा, जिसका पानी नहीं चलेगा वो हिंदू का इतना मनोबल बढ़ गया है कि उनके इलाके में जाकर उन पर हमला कर दिया जाता है, गोली चला दी जाती है। जब वो शोषितों और पिछड़ों की सुरक्षा की बात करते हैं, उनके नेता है तो वे खुद सुरक्षित नहीं है, तो क्या वे शोषित पिछड़े और दलित को सुरक्षा दिलवा पाएंगे? यहाँ की आबादी आपको मैं बोल दिया 1 अरब 34 करोड़ की आबादी है, उनकी क्या आबादी है ये सोच ले। और जो राजधारी बाबू ने बोला कि अनुसूचित जाति में खास चमार जाति जो भारतीय मूल पर निवास करता है वो कभी जिंदगी में हिंदू धर्म को कबूल नहीं किया, अगर चंद्रशेखर रावण की बात करते हैं तो आवश्यकता है तो मार दे, हम लोग आंदोलन करेंगे, नेता तो आए हैं और जाएंगे, लेकिन बदले की भावना से कुठाराघात कराने वाले को भारत के मूल पर मानववादी उसको सबक सिखाने का काम करेगा निश्चित रूप से। आप ताई का इतना हिम्मत बढ़ गया है कि उनके क्षेत्र में जाकर उन पर वार कर दिया कि आपने देखा अतीक अहमद और उनके भतीजे को कोर्ट में सरकारी पुलिस अभिरक्षा में कोर्ट में हाजिर किया जाता है और उनके भतीजे और उनकी हत्या वहाँ सरेआम की जाती है और पुलिस में के भेष में वहाँ गुंडे तैनात हैं। वहाँ क्या आप पूछते हैं कि उनके क्षेत्र में कैसे पहुँच गए? जहाँ गुंडा राज है, जहाँ आतंकवादी राज है, ऐसे राज की हम खात्मा UP सरकार की खात्मा चाहते हैं। वो तो कहते हैं कि माफियाओं का अंत कर देंगे, तो माफियाओं के माध्यम से भले लोगों का वो अंत करा रहे हैं, माफियाओं का अंत कहाँ करा रहे हैं? हम तो दिन रात देख रहे हैं, सवाल पूछा जाता है कुछ जवाब देते हैं कुछ। आप हाल में सुने होइएगा जनता ने सवाल किया कि आटा का दाम बहुत महंगा हो गया है,
उन्होंने जवाब दिया, डाटा हमने इतना सस्ता कर दिया है कि 6,000 रुपया हर घर में पर फायदा हो रहा है। तो उनको जहाँ हमारे प्रधानमंत्री को आटा और डाटा में कोई अंतर ही नहीं समझ में आ रहा है। अलूल का जलूल, आम का इमली इमली का आम। जब क्या नाम सर? मेरा नाम श्री राम हुआ। मैं रिटायर्ड बड़ा बाबू पश्चिम चंपारण बेतिया से हूँ। बाबा और लोग को जेड सुरक्षा मिल रहा है, हमारे चंद्रशेखर भाई को क्यों नहीं जेड सुरक्षा मिल सकता है? बाबा है इसलिए मिल रहा है। बाबा है? बाबा कैसे बाबा है? जब बाबा जानते बड़े लोग है, इतना लोग जा रहा है धाम पे, तो बाबा तो पहले बता सकता था ना कि हाँ यह घटना घटने वाला है, तुम लोग नहीं जाओ, तुम लोग भगवान के पुजारी हो, नहीं जाओ। इतना क्यों घटना घट रहा है? अगर बाबा नहीं, वो पूरे भारत को बर्बाद करने के लिए बाबा है। सबसे पहले अगर बाबा को सुरक्षा मिल रहा है, जेल सुरक्षा, तो सबसे पहले हमारे चंद्रशेखर भाई को भी जेल सुरक्षा मिलना चाहिए। पर जो घटना घटित होती है उसके बाद आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए, योगी जी के जो सरकार है वह अपने विरोधियों को समाप्त करने में तुल गई है। अति की हत्या हो, इनकी हत्या हो, आप देख रहे हैं कि पहलवानों से रेप करने वाले जो शर्मा है उस पर एक शब्द भी आज तक योगी और मोदी नहीं बोला है। और ये सुनियोजित खतरा है आपको, इसको अगर व्यक्ति का जोड़ते हैं तो नहीं है, यह वहाँ की यूपी सरकार की सुनियोजित जो ढंग से जो अन लोगों की हत्या हो रही है, उसी हत्या में जुड़ी ही बात एक यह भी हत्या है। और इसको उसे जोड़ कर देखिए और पूछिए। वो बाल बाल बच गए, आप लोग डरे तो नहीं है? आपके नेता पर हमला किया गया है। घटना घटी है यूपी में, आज पारू और साहेबगंज सरैया के लोग आज यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। तो डरा रहता तो यह स्थिति पूरे देश में आज आपको कहीं ना कहीं आपको धरना प्रदर्शन हो रहा है, और डरने का कोई सवाल नहीं है। और एक स्थानीय भी घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साहेबगंज में भी कल आपको शिवनाथ राम की हत्या मनुवादियों द्वारा कर दी गई, जाति विशेष के लोगों द्वारा कर दी गई है। और हम लोग आज के मांग में यह भी मांग रखे हुए हैं कि शिवनाथ पासवान के हत्यारों को भी जल्द गिरफ्तार करके उसको फांसी की सजा दी जाए। और अन्य भी जो घटनाएं छपरा से लेकर आसपास में घट रही है उस पर भी हम लोग का मांग है कि उसको भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ब्लॉक में क्या हुआ है? ब्लॉक में इसलिए है कि हमारा सबसे लोकल जो माध्यम है, हम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन लिखे हुए हैं, और ज्ञापन में हम लोगों ने तीन मांग को रखा हुआ है। यह ज्ञापन जो होगा वीडियो के माध्यम से राज्यपाल को जाएगा।